नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां कनीना में हुए हादसे के बाद अंबाला प्रशासन अब हरकत में आ चुका है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अंबाला DTO द्वारा आज कई स्कूल की बसों की चेकिंग की गई और जिन भी बसों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिले उन्हें जब्त कर लिया गया। लोकसभा बठिंडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खोजियान ने आज मानसा जिले का दौरा किया और पार्टी वर्करों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए सभी को एकजुट होकर मैदान में आने की गुहार लगाई गई। तो वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और पंजाब सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष से पंजाब की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम किया। सारी जी जानकारी है दुनिया तक पहुँचाने। अज मैं साढ़े इतों के MLA विजय सिंगला जी डॉक्टर साहब उन्होंने नाल मीटिंग करने इन्हों बेनती की सी, तो मानशाही हाउस में जी मीटिंग रखाई गई है। तो सारे जेडे भरा जिन्होंने वड्डा हौसला दिता है, मैं अपनी बेनती करने आया सी कि लोग सभा की मैं चोन लड़ रहा आम आदमी पार्टी वालों, तो बहुत इड्डा हौसला दिता मैनू चंगा लग्या। सारे भरा वड्डी कृपा कर देखो ती, मैं तो बहुत ही वड्डा हंगारा कहूँगा। तुम अज इत वेख्या, मैं समय दिते तो मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे लेट आया, तो फिर भी सारे भरावान ने बहुत मेहर रखी है। इन्ना चर उड़ीकना मेरे च की है, मैं कोई वड्डा गुणी ज्ञानी बंदा नहीं, मैं तो एक साधारण जा निमाणा नताना एक जिदे तो लोगों ने बहुत वड्डी कृपा की लंबी दया ने वक्री गल है। मैनू इन्ना समा उड़ीकया तो यह हंगारे की गल ही है। मैं इस पंजाब लई पूरा क्योंकि ईमानदारी नाल खड़ा होया, इहदियां बहुत सारियां दुख तकलीफां है। मैं एमरजेंसी दे मोर्चे वेले 13-14 सालां दा सी, मेरे पापा जी उदों भी जेल विच गए, मैं उस तो बाद भी इतों के हालात सारा कुछ देखता रहा। सेंटर वालों जो साढ़े नाल धक्के किए जाते मेरे वो सारे दिल से है, उन्होंने वारी वारी सर थोड़े सामने लोग सभा विच उठाऊंगा तो पता लगता। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ। तो वहीं कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक क्लब के बाहर दो युवकों ने मामूली कहा सुनी पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था और फरार हो गए थे वहां से। इसके बाद पुलिस उन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। आज गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गुड़गांव के एक एनजीओ रोड के ऊपर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो एरिया आता है उसमें एक क्लब है, नाइट क्लब है, उसके अंदर कुछ व्यक्ति विशेषों के बीच में कहा सुनी होने के बाद लड़ाई झगड़ा में तब्दील हुआ और उसके बाद जो इस अभियोग का शिकायत करता है उसको दूसरी पार्टी ने, दूसरे पक्ष ने फायरिंग करके इंजर्ड कर दिया और पैर में गोली लगी। उस संबंध में दो जो आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसका विस्तृत संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि जो MG रोड है वहाँ पर काफी क्लब्स, नाइट क्लब्स चलते हैं, तो उन्हीं में से MG रोड के ऊपर एक क्लब है जिसके अंदर 5 और 6 के इंटरवीनिंग नाइट लगभग 2 बजे रात को इस घटनाक्रम को अंजाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से है, जहां लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे युवक और युवती 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि मृतक यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते थे और उस पर शॉर्ट्स फिल्में बनाकर उसे अपलोड करते थे। कुछ दिन पहले ही दोनों अपनी टीम के साथ देहरादून से बहादुरगढ़ आए हुए थे।
तो इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी जगबीर का ये कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जा रही है। रेजिडेंस में एक लड़का और लड़की ने छह मंजिल से कूद गई, जिनकी मौत हो गई है और 62 जी सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इनके नाम गर्वित और नंदनी बता रहे हैं, इसके बारे में जांच कर रहे हैं, इनका रेजिडेंस के बारे में पता कर रहे हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वारसा ने पता लगा कर इनको सूचित किया जाएगा और साथ में ये दोस्त रहे थे उनसे पूछताछ की जा रही क्या मामला था। इन्होंने बताया कि यूट्यूबर हैं और अभी करीब 1 महीने से यहाँ रहने लगे हैं और इनके घर वालों का पता लगा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल टीम को सूचित कर दिया है, एफएसएल टीम मौके पर आ रही है। खबर रोहतक से है जहां जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद शुक्रवार को जिला कोर्ट में थारा फूफा जिंदा है के मामले में सुनवाई में जज आदित्य यादव की कोर्ट में पेश हुए। इसके पहले अब सहित 5 लोगों के नाम कोर्ट ने समन जारी किया था। इस मौके पर नीरज चोपड़ा जो कि ब्रांड एम्बेसडर है, डायरेक्टर संजय भसीन, विश्वास चौहान, हरीश छावड़ा के वकील जिला कोर्ट पहुंचे हुए थे। दूसरे पक्ष ने समय मांगा जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। आज आपको पता होगा कि 12 तारीख की जो डेट दी थी कोर्ट ने कि जो थारा फूफा जिंदा है तो ये तय होना था कि असली फूफा कौन है और नकली फूफा कौन है। तो जो ऐप द्वारा थारा फूफा जिंदा है फिल्म में कंटेंट चुरा के वो जो नाम है वो आंदोलन है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो आज उनके वकील पेश हुए हैं और हमने जो अपील करी है माननीय जज साहब से, आदित्य यादव जी से, भई हमने ये कहा पूरी दुनिया में भी अगर कहीं ये वर्ड पहले सुना गया हो थारा फूफा जिंदा है तो हम मान लेंगे, हमारे भाई जुर्माना लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदमी की चिंता की है और उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया है जिससे गरीब आदमी को लाभ मिला है। गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी योजनाएं हैं जिनसे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। खबर सिरसा से है जहां रैपिडो कंपनी को लेकर एक बवाल सामने आया है। आपको बता दें कि कंपनी के कुछ वर्करों का ये कहना है कि हमें पिछले 4 महीने से कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी गई है। जब इसके चलते कंपनी की एक महिला कर्मी ने अपनी सैलरी के लिए कंपनी के CEO गौरव अरोड़ा को सैलरी के लिए फ़ोन किया तो आगे से गौरव अरोड़ा ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे और गाली गलौज करने लगे। इसी के चलते प्रशासन से कंपनी के CEO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। रैपिडो का जो कार्ड था उसका नाम था प्लेटिनम कार्ड, ठीक है। उसका पे आउट होता था 590 रुपए, जैसे ITR हो गया, MSME सर्टिफिकेट हो गया और लोन की सर्विस होगी। और लोन की सर्विस आज तक कस्टमर को इन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके अंदर एड जरूर थी, ठीक है। उसके अलावा था कि वीडियो प्रमोशन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं 1 मिनट की, ठीक है, और GST नंबर देते हैं। इतना ही था इसके अंदर जो सर्विस थी कार्ड की, लेकिन जो कस्टमर को है लोन की नीड रहती है और लोन किसी भी कस्टमर को नहीं मिला मेरे श्रीगंगानगर के अंदर। मैं श्रीगंगानगर से, तो आपके वहाँ भी सैलरी का इशू जी है कोई? मेरे भी स्टाफ की सैलरी नहीं आई, मेरी भी नहीं आई और काफी स्टाफ हैं जो मेरे सैलरी नहीं है। तो 3 मंथ से गंगानगर में आपका ऑफिस है और यहाँ से सैलरी जनरेट हो रही है? हाँ जी हाँ जी, श्रीगंगानगर में ऑफिस है, श्रीगंगानगर में मैं बैठ। हमारी तरफ से कोई बदनामी नहीं की गई जी, हमने तो जी कानूनी कार्रवाई जो करनी है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। जो कानून का हक है, जो कानून हमें हक देगा, हम उस पे ऊपर जा रहे हैं जी।
सैलरी इश्यू सिरसा के अलावा बाहर के लोग भी, बाहर के कुछ एम्प्लॉय जहां आपकी ब्रांचे हैं वो भी लोग सिरसा पहुंचे हुए हैं? देखिए जी, मैं आपको बताता हूं जी, जिनका भी सैलरी का इशू है, मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं जी, मेरी कंपनी को 1.25 साल हो गया जी। आप देखिए जी, वारदात के बाद ही कंप्लेंटें क्यों आई है, आप इस बात को भी समझिए ना, वारदात के बाद ही कंप्लेंट क्यों हुई है। जिस दिन 4 तारीख को वारदात हुई है ना जी, उसके बाद जो कंप्लेंट गंगानगर से कर रहा है, अब आपको मैं गंगानगर वाले का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। वहां पे पवनदीप, मैंने मेरे को पता चला है कि वहां पे एक लड़का गंगानगर का, एक लड़के की बात कर रहा हूं मैं, पवनदीप मौजूद था। हम आपको अभी उसकी स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जी कि गंगानगर वाले को वारदात के बाद 5,000 रुपए डाले हुए हैं, वारदात के शायद 8-10 दिन बाद उसको पैसे डाले हुए हैं जी। किसने डाले हैं? मैंने डाले हैं। देखो जी, देखिए मैं बताता हूँ जी, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है जी, इतनी पेंडिंग है उतनी पेंडिंग है। अब आप सपोज कर लीजिए, आप कहीं भी जॉब करते हो, आपकी अटेंडेंस चेक की जाएगी, आपने 3 महीने काम किया, 3 महीने में आपने कंपनी को क्या परफॉर्मेंस दी, क्या आपका रूल है। अब एक बार बताइए, अब ये बात ठीक है, हमने तो ज्वाइनिंग लेटर पे ये भी लिखा हुआ है कि भैया 1 महीने का नोटिस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर आप 1 महीने का नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं तो कंपनी सैलरी होल्ड कर देगी, इस बात का भी रूल है, ज्वाइनिंग लेटर के अंदर मेंशन किया हुआ है बात। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां बैसाखी के मौके पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बिभोर साहिब में श्रद्धालु नतमस्तक हुए और सतलज नदी के घाट पर लोगों ने स्नान कर इस पवित्र स्थान पर गुरु साहिब जी का पाठ किया। बैसाखी और खालसा पंथ सचना दिवस के अवसर पर एसजीपीसी कार्यालय से श्रद्धालुओं का जुलूस पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ, जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ जुलूस एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय से रवाना हुआ। आपको बता दें कि पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन के 929 तीर्थयात्री रवाना हुए। 19 अप्रैल को ये जत्था गुरुधामों के दर्शन कर दोबारा भारत लौटेगा। आपको बताते चले कि 1525 लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया था, जिनमें 929 वीजा को पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दे दी थी और 596 वीजा की कटौती की। धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी ने बहुत अपार कृपा की है कि पाकिस्तान के गुरुधामों के दर्शन दारे करने वास्ते पहली बार ट्राई किया, पहली बार गुरु रामदास जी ने कृपा की है, वीजे लग गए आ, हुण संगतां दे नाल जा रहे हैं। 1101 जिहड़ा इत्थों शख्स जा रहा गुरु साहब के दर्शन किदारे करने वास्ते, गुरु साहब आगे अरदास करते हैं कि महाराज कृपा करन, सारियां संगतां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन, नाम सिमरन जपाउंदे अपने चरणां नाल जोड़न। जिथे जिथे भी गुरुधामां दे दर्शन पाकिस्तान दे विच गुरु साहब जी ने चरण पाए हन, उन्हां थावां ते आपां पहुँच के गुरु साहब जी नूं नतमस्तक होईए, तो गुरु साहब अगे अरदास करिए कि पंजाब नूं चढ़दी कला विच रखण, जो साडे पंजाब दे उत्ते गंदी हनेरी झुल रही है गंदियां सरकारां करके, उन्हां वास्ते जो साडे बंदी सिंह हन उह बड़े चिरां तों बड़ा लम्मा सफ़र उन्हां जेलां विच गाल के, हुण भाई अमृतपाल जी नूं बिना नजायज़ कि वह संगतां वास्ते प्रचार कर रहे सी कि बच्चियां नूं जिहड़े आ नशियां तों दूर करना वा, तो उन्होंने यो ही जी उन्होंने बहुत वीडी सजा दे के उन्होंने काले पानी जेल के भेज दिता गया। गुरु साहब अगर डेली अरदास कर देंगे महाराज कृपा कर, जिते भी बंदी सिंह होना चढ़ती कला बख्शिश करके अपने चरणों ने जोड़ के रखन, जल्दी तो जल्दी रिहाइया बख्शिश करके परिवार। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नेशनल हाईवे 152 के नज़दीक बिलोचपुरा गांव के गेहूं के खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही SHO जीतराम फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर लैब में भेज दिया। फिलहाल कंकाल को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। ये आत्महत्या का केस है या हत्या का या बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बॉडी के पास में एक नोटबुक मिली थी, नोटबुक में एक एड्रेस था 6/15 कमेटी बाजार शाहबाद, तो हमने चौकी इंचार्ज शाहबाद से कॉन्टेक्ट करके ये एड्रेस वेरीफाई करवाया, तो चौकी इंचार्ज ने बताया भाई ये जो बॉडी मिली है ना, ये यतिन शर्मा नाम का बंदा है, ये 40-42 साल इसकी एज है, ये ना दिमागी इसकी हालात ठीक नहीं थी, ये कई बार घर से चला जाता था फिर आ जाता था, तो ये दिवाली से पहले घर से निकला हुआ है, तो इसके घर वालों को इंटीमेट कर दिया, स्नैप भेजी है,
और वो आ जाते हैं जैसे स्टेटमेंट देंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ही उनकी फर्दर। अगली खबर गुरुग्राम से है जहां करीना में हुए बस हादसे के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि डीसी निशांत कुमार यादव के आदेश पर स्कूल बसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो वहीं डीसी ने कहा कि जांच आदेशों की अवहेलना करने वाले यानी रूल को न फॉलो करने वाले आदेश को न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो दिनों तक चलने वाले इस व्यापक जाँच अभियान में निर्धारित 5 स्थानों पर जिला में संचालित 527 स्कूलों की 2600 बसों के निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों के तहत उनमें दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की जा रही है। देखिए जो महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। और जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है उसके अभी आवश्यकता ये है कि हम उसके सारे प्रावधान हैं उनको एग्जैक्टली एनफोर्स करवाएं। तो उसके लिए हमने आज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के संबंध में संबंधित डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी की है और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि स्कूल्स बसेस की चेकिंग करें और ये इंश्योर करें कि जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है उसका ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो। तो उसके लिए हमने जो टेंटेटिवली वर्क प्लान किया है कि आने वाले 2 दिनों में सैटरडे और संडे को हमारे यहाँ गुरुग्राम में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं लगभग 500 की संख्या में ये प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मिला के 500 स्कूलें हैं, इनके जितने भी व्हीकल्स हैं लगभग 2600 रजिस्टर्ड व्हीकल इस समय हमारे आरटीए डिपार्टमेंट के पास स्कूल बसेस के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा कुछ बसें ऐसी भी हैं जो स्कूल बस के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ऑन स्कूल ड्यूटी एज पर रूल जो है वो अगर वो सारे मानक पूरा करती हैं तो स्कूल उनको इस्तेमाल कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है जहां थाना डिवीजन नंबर 3 के दित सिंह नगर में चोर दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को उठाकर लेकर चले गए। तो वहीं लगभग आधे घंटे बाद जब गाड़ी के मालिक घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी वहां पर नहीं है, गाड़ी गायब हो चुकी है। तो वहीं ये पूरी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिससे साफ साफ दिख रहा है कि बाइक सवार युवक आता है और पहले एक चक्कर लगाता है, उसके बाद में बाइक चुराकर वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कड़ा मोटरसाइकिल से हो? स्प्लेंडर सीगा ब्लैक कलर दा। अच्छा जी। अपना PV08C 1688। ते अपना चोरी कित्थों होया? घर दे बाहरों? चोरी घर दे बाहरों जिथे मैं खड़ा इत्थे जिथे स्कूटर खड़ा एक्टिवा इत्थों चोरी होया जिथे लैके गए। ते किन्ने कोई रखिया सी, किन्नी की देर बाद आए बाहर? ये मैं कोई नियर अबाउट ही कोई काम होया ना तो 4:30 to 5 दे विच होया ते मैं 5:15 बाहर आ गए, 5:30 दे विच बाहर आया ते देखिया ते मोटरसाइकिल खड़ा नहीं आया। ते कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई है? हाँ जी हाँ जी, फोटो आई है, वीडियो बनाई है, फोटो वगैरह भी सेंड कर दी है सारी। किन्ने के मुंडे आए सी? ये 2 मुंडे आए सी जी, ये आए नहीं इत्थों दी दूसरी रोड अपना पहले के 2 मुंडे आए ने मोटरसाइकिल ते निकल के चले गए। निकलने तो बाद इन्होंने फिर बंदा एक आया उत्थे जाके खड़ा हो गया, एक मुंडा फिर पैदल आया इत्थों दी उन्हें आके अपना बाइक ने अपना चाबी लाई है इत्थों लेके निकल। खबर करनाल से है जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल गुरुद्वारा साहिब में जाकर आशीर्वाद लिया और संतों से मुलाकात की। तो वहीं मनोहर लाल ने गुरुघर में लंगर की सेवा की तो साथ ही गुरुघर में तैयार होने वाला लंगर सेवा के बारे में सभी को शुभकामनाएं दी और गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों की तरफ से मनोहर लाल को सिरोपा और कृपान भेंट की गई। बैसाखी पर्व पर मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक दिन पर हमको जैसे मालूम है कि एक बहुत बड़ा जो अत्याचारी डायर ने बड़ा कांड किया था जलियांवाला बाग में, हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हो गए थे, मैं इस अवसर पर उन सब शहीदों को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा अपने को पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और मेरा दौरा पूरे करनाल लोकसभा में तो चल ही रहा है, पूरे हरियाणा में भी जगह जगह जा करके और लोगों से मिलना हो रहा है। आज करनाल के अपने कार्यक्रम के दौरान बैसाखी के इस पावन पर्व पर मुझे लगा कि मुझे किसी अच्छे पवित्र स्थान से अपने कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। तो आज हमारी जो निर्मल कुटिया है बाबा निका सिंह जी के आशीर्वाद से
जो शुरू हुई, अभी जो हम यहाँ पर वर्तमान गुरु राम सिंह जी जो संत हैं और जितना सेवा भावी इनका जीवन है मुझे पहले से भी पता, लेकिन आज तो जान करके और अति प्रसन्नता हुई। खबर पटियाला से है, जहां गुरु नानक नगर में एक घर पर अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। तो वहीं हमला करने वाले दोषियों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएसपी जगदीप सिंह रद्दावा ने कहा कि हमने इस मामले पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 छोटी उम्र के लड़के हैं और एक को अदालत में पेश कर दिया गया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 44 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 336(3) ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦੇ 6 ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। 4 ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਕਡੋਮੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਕੁਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਰਥ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਲਕਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅੰਸ਼ ਗੋਪੂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਗਡੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਕਨੋਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। खबर अम्बाला से है, जहां आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे। तो वहीं यहां पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री असीम गोयल भी विजय संकल्प रैली में मौजूद रहे। खबर रोहतक से है, जहां जेएलएन नहर में आए दिन लोगों के डूबने के मामले सामने आते ही रहते हैं। आपको बता दें कि 6 दिन पहले नहर में डूबे 2 सगे भाइयों में से एक भाई का शव भले ही झज्जर के मदन हेड़ी से बरामद हो गया हो, लेकिन छोटा भाई अभी तक लापता है। अब गांव धामण के पास से होकर गुजरने वाली जेएलएन नहर में एक व्यक्ति का पैर फिसलने से वो नहर में डूब गया और फिलहाल लापता किसान की नहर में तलाश जारी है, जिसका कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया। एनएल नहर है, इसमें 12 बजे 58 साल का पटड़ी पर बैठे थे, छां ठंड थी, उड़े थे पैर सलप हो गए और जेएनएल नहर में जा गिरा। काफी देर तक उसने हाथ पांव मारे, कोशिश करी, हाथ ऊपर ने रखे हैं। एक लड़का और भी कूदा उसने काटन खातिर, लेकिन वहाँ पार नहीं बसाई क्योंकि पानी बहुत घना है, इसमें कोई आड़ नहीं है। तो वो जो है उस जेएनएल नहर में मिल नहीं रहा, वैसे जिंदा तो भी बह नहीं। तो प्रयास ये है, इसका कुछ पानी दूसरी में इसमें ड्रेन में करके पानी कम हो जाए तो कम से कम वह डेड बॉडी तो परिवार को मिल जाए, जिसे शांति। इसलिए डी साहब थे, आए थे डी साहब, भाई आए हैं खुद से एक मिनट पहले, बाहर जब गए हुए थे तो उसके इंतजार में डी साहब से कोई बात करके रास्ता। हरियाणा की धर्मनगरी कहे जाने वाली कुरुक्षेत्र में प्राचीन विष्णु कूप यानी कुआं में कुआं मिला है। आपको बता दें कि महाभारत कालीन प्राचीन विष्णु कूप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में ये कूप मिला है। ये कूप 100 फुट गहरा है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत के हजारों साल बाद भी महायुद्ध की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध युद्ध की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और कर्ण यहीं पर अभिमन्यु को धोखे से मारा। देखिए जी, मुझे काफ़ी समय से सपने में जो है भगवान लक्ष्मीनारायण जी की मैं पुजारी हूँ, मैं काफ़ी सालों सेवा कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी साल से जो है काफ़ी समय से जो है सपने में जो है कुआं दिखाई दे रहा था, जिससे कि मेरे जो मंदिर के महंत हैं, महंत विजयगिरी जी महाराज, मैंने गुरु जी से जिक्र किया कि महाराज जी मुझे अक्सर जो है सपने में कुआं दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे भी ये पता है कि भाई यहाँ आसपास कहीं कुआं हो सकता है। मैंने भी सुना था कि जो हमारे पूर्व महंत थे हरिनंदन गिरी जी महाराज, तो ये जिस कमरे में आप बैठे हैं मेरा यही शयन कक्ष है और इस कमरे को जो है 1955 में बनाया गया था, जिसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हो सके शायद जो है उस समय काल में हो तो उस खुला हो, उसके बाद जब ये कमरा बनाया गया तो उसको मतलब कोई किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कुआं जो है काफ़ी गहरा है, लमसम 80 से 100 फुट है। तो उसको उस समय पाट कर दिया गया, जो भी परिस्थितियाँ रही गई हों।
तो जब महाराज जी के कहने पे जब हमने इस जमीन की खुदाई कराया आसपास, तो मुझे आर्टिफिशियल मतलब यहाँ पे सुरक्षित कुआं हमें मिला। क्या लगता है आपको ये पुराने जी? हमने जो हमारे इतिहासकार हैं जो है आपका वैसे आपके कुशेत्रा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे डॉक्टर जो है, तो उनसे हमने जब ये जांच करवाया, उन्होंने भी बताया कि महाराज जी, उन्होंने भी देखिए समर्थन दिया है मुझे और लिखा लिखित में दिया है कि भाई ये महाराज जी जो लाहौरी ईंटों से निर्मित है और इसको देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि महाभारतकालीन नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जो है प्राचीन ईंटों 1200 ईस्वी के पहले लाहौरी ईंटों से शुरुआत होती है। ऊपर तो लाहौरी ईंटों से बना हुआ है, नीचे पत्थरों से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल का ये दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर कोने में समान रूप से काम किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन कर देश के करोड़ों लोगों को नायाब तोहफा दिया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री 500 साल का जो कलंक था उसे धो दिया, देश की जनता एक बार फिर से भाजपा के साथ। चुनाव हमारा बहुत जोर शोरों से चल रहा है, लगातार नई ज्वाइनिंग्स आ रही हैं और से मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ। आपने देखा है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है और संगठन की दृष्टि से जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा सबसे बड़ा दायित्व यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का परिवार और बढ़ता जाए। और ये निश्चित है कि पहले से डबल मार्जिन के साथ हमारी सिरसा लोकसभा की सीट अब की बार हम पुनः जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे और आने वाली पांचों विधानसभा भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जिस तरह का प्यार स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं और उसी के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार हमारा कमल के फूल का निशान डबल मार्जिन के साथ खिलने जा रहा है। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।